हेलो स्टूडेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बीए एलएलबी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के राजनीतिक सिद्धांत विषय के अंतर्गत राज्य के देवीय सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी कल्याणकारी राज्य के, कल्याणकारी राज्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की विशेषताएँ क्या होती है या उसके कार्य क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द स्टेट। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जो राज्य या देश का हम आज वर्तमान में स्वरूप देख रहे हैं वो कैसे बना, इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित हैं जो राज्य के निर्माण के बारे में बताते हैं। जैसे फर्स्ट सिद्धांत है आपका डिवाइन थ्योरी, देवीय सिद्धांत। दूसरा है शक्ति सिद्धांत। तीसरा है आपका सुरक्षा सिद्धांत। और भी सिद्धांत बहुत सारे हैं जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में या ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बताते हैं। आज हम इसमें राज्य के देवीय सिद्धांत या डिवाइन थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में डिवाइन थ्योरी क्या कहती है। तो जो डिवाइन थ्योरी है ये बताती है कि राज्य की उत्पत्ति देवीय रूप में हुई है, अर्थात देवताओं ने या भगवान ने उसकी उत्पत्ति की है। तो राज्य के देवीय सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो राज्य का निर्माण हुआ है उसके पीछे भगवान या देवीय शक्तियाँ रही हैं, उन्होंने राज्य का निर्माण किया है। कि राज्य का निर्माण हो, उसका एक राजा हो और वो राजा अपनी प्रजा के लिए कार्य करे। तो राज्य का देवीय सिद्धांत ये हमें बताता है कि राज्य की उत्पत्ति दैविक रूप से हुई है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में देवीय सिद्धांतों का भारतीय ग्रंथों में भी पर्याप्त उल्लेख है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो भी प्रारंभिक उल्लेख प्राप्त होते हैं वे भी मानवीय स्तर की अपेक्षा देवीय सिद्धांत को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अपने प्रारंभिक रूप में राज्य की उत्पत्ति देवीय रूप में ही हुई है और राजा देव के तुल्य होता है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य के देवीय सिद्धांत की विशेषताएं। तो एक तो आप ये मानिए कि देवीय सिद्धांत में राजा को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। राजा सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। तो पहली विशेषता के अंतर्गत हम बात करेंगे कि राजा को भगवान द्वारा राजनीतिक शक्ति दी गई है। इस सिद्धांत का ये मानना है, ये विश्वास है कि राजा को देवताओं या भगवान द्वारा राजनीतिक शक्ति दी गई है और वो सर्वोच्च और सर्वोपरि है। दूसरा पॉइंट है विशेषताओं के अंतर्गत कि राजा का जो शासन होता है वो वंशानुगत होता है आपका, कि राजा का पुत्र ही राजा बनता है। क्योंकि जो पहली विशेषता वो ये कहती है कि राजा को भगवान द्वारा राजनीतिक शक्ति दी गई है, तो इसका दूसरा पॉइंट ये कहता है कि राजा वंशानुगत होता है, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनेगा या राज परिवार का मेंबर या सदस्य ही राजा बनेगा। देवीय सिद्धांत की ये भी एक विशेषता है कि राजा का शासन वंशानुगत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजा ज्ञान का एक बड़ा स्रोत है। यानी जैसा मैंने कहा पहली विशेषता में ही कि देवीय सिद्धांत ये मान के चलता है कि राजा सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है, तो राजा ज्ञान का एक बड़ा स्रोत है या सबसे बड़ा स्रोत है, यानी उसमें राज्य से संबंधित संपूर्ण ज्ञान है। कोई भी ज्ञान में उसके बराबर नहीं है, राजा ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे देवीय सिद्धांत में कहा गया है कि राजा सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, तो देवीय सिद्धांत ये भी मानकर चलता है कि राजा केवल भगवान के प्रति जिम्मेदार है। यानी राजा सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, अगर कोई वो कुछ गलत कार्य भी करता है तो वो किसी अपनी जनता के प्रति या किसी संस्था के प्रति जवाबदेही उसकी नहीं है, वो केवल भगवान के प्रति जिम्मेदार है अपने सही और गलत दोनों कार्यों के लिए। ये भी देवीय सिद्धांत का अपने आप में मानना है कि राजा केवल और केवल भगवान के प्रति जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट है राजा की अवज्ञा करना पाप है। जैसे देवीय सिद्धांत का निष्कर्ष ये है कि राजा सर्वोच्च और सर्वोपरि है, तो उसकी देवीय सिद्धांत ये भी मान के चलता है कि राजा की अवज्ञा करना पाप है, यानी राजा के आदेश को ना मानना पाप है। राजा जो भी आदेश देता है हमें यह नहीं सोचना है कि सही है या गलत है, हमें उसे मानना है और उसके आदेश को मानना है।
नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों को राजा की शक्ति को मानना होगा। देवी सिद्धांत की ये भी मानता है कि राजा की जो शक्ति राजा में है या राजा के जो आदेश हैं उन्हें हमें मानना होगा। जनता को ये नहीं है कि उसके बारे में सोचना है क्या सही है क्या गलत है। देवी सिद्धांत के अंतर्गत राजा की शक्ति को हमें मानना है, जो भी वो कहता है राजा की अवज्ञा हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, देवी सिद्धांत के अंतर्गत विशेषताओं में एक बुरे राजा को परमेश्वर के द्वारा दंड दिया जाएगा न कि उसकी प्रजा के द्वारा। देवी सिद्धांत का ये भी मानना है कि एक राजा को अगर कोई वो गलत कार्य करता है तो उसे जिसने उसे बनाया है भगवान ने या देवता ने वो ही केवल उसे दंड दे सकता है, जनता उसे दंड नहीं देगी या जनता उसके गलत कार्यों की अवज्ञा वो अवेलन वो गलत नहीं मानेगी, अर्थात केवल और केवल उसे भगवान या देवता ही दंड दे सकते हैं। तो आज हमने बात करी राज्य की उत्पत्ति के अंतर्गत कि राज्य उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत के अंतर्गत बात करी कि देवीय सिद्धांत में राजा सर्वोच्च होता है और राजा का निर्माण या राज्य का निर्माण जो है आपका देवताओं ने किया है, और देवीय सिद्धांत की क्या विशेषताएँ उनके बारे में चर्चा करी। थैंक यू वेरी मच।